हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज का मेन्यू है भिंडी दो प्याजा। इतना बड़ा टोकरी, मेरा सर इसमें तीन सर घुस जाएगा। और आलू सोयाबीन की सब्जी, दाल रखी हुई है, चावल, ये हम आज का मेन्यू है। तो चलिए इसको काटते हैं फटाफट। एक वो ले लेती हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, टोकरी रखने के। मैं सब कुछ रेडी करने के बाद सोच रही हूँ आप लोगों को दिखाऊं। सारा मसाला वसाला सब रेडी कर दूँ, है ना। सोयाबीन इसको पहले चढ़ा देती हूँ। सोयाबीन को भूज के निकालना पड़ता है। आप लोग कैसे बनाते हैं बताना कमेंट्स करके। मैं सोयाबीन को पहले कच्चा सोयाबीन उसको भूज देती हूँ, उसके बाद उसमें गर्म पानी डाल देती हूँ। क्या होता है, फूल जाता है अच्छे से। और आलू को भी भूज के निकाल देती हूँ, फिर मसाला डालती हूँ। ऐसा बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो बताना। ये भिंडी का पूंछी पहले निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर काटने लगेंगे ना तो ये पूरा चक्कू लसर पसर हो जाएगा, फिर फिसलेगा। ऐसे ही मेरा उंगली कट गया है, पता है मेरे को। इतना नींद आ रहा है ना, इतना नींद लग रहा है कि मैं खाना नहीं बनाऊँ। बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, इतना नींद आ रहा है। मुझे पता नहीं बॉडी हो क्या गया, भगवान जाने यार। मतलब शरीर में इतना थकावट हो जा रहा ना मेरा, जैसे मैं सुबह में उठ करके, अगर मेरे को सुबह सुबह सब ये सब आप लोग मतलब मेरे को दे दोगे ना, तो हम सुबह ही सुबह सब कर देंगे। ये आंटी इतना लेट में आती है, लेट में नहीं आती, मेरी गलती है, मैं ही बोलती थोड़ा लेट में आने। और यार मोबाइल का अलग है यार, एडिट करो अपलोड करो, बड़ी झमेला है, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। कल से ना मोबाइल ही नहीं पकड़ेंगे, कल तो शनिवार है, वैसे भी मंदिर जाना है। कल से हम तो मोबाइल ही नहीं पकड़ेंगे। सबसे पहले अपना नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद मंदिर से आएंगे, उसके बाद एडिट करने में डालेंगे। इसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं अपलोड करूँ। हाँ, दिन में खाना बनाते बनाते भी अपलोड कर सकती हूँ। ये मेरा भिंडी हो गया। इसके बाद जो मैं थोड़ा सा भिंडी रखी हूँ ना, उसको कल बनाऊँगी भिंडी का मसाला वाला, भरवा भिंडी टाइप नहीं वो, और उसके साथ रोटी रख देंगी। देखो पालक पनीर पालक फिर से खाने का मन कर रहा है। पनीर का सोच रही हूँ चिल्ली बनाने का सोच रहे हैं, पनीर चिल्ली। देख रहे हो मेरे को नींद कितना आ रहा है। चलो यार ये प्याज को भी काट लेते हैं इसी में, और फिर बनाते हैं मस्त भिंडी दो प्याजा। ये जो भिंडी है ना, इसको हम ना कपड़ा से पोंछ लिए थे, ठीक है, भींगा कपड़ा से पोंछे थे। आप लोग इसको धोओगे तो फिर ये लसर पसर करेगा, ये एक अलग आइडिया बता रहे हैं। भींगा कपड़ा से पोंछ लीजिए। मैं एक ही बार में काम खत्म, ठीक है। तो भिंडी हो गया यहाँ कंप्लीट, ये इसको चलिए स्टार्ट करते बनाना फटाफट खाना। आप लोगों को दिखाते ये चढ़ा दी है कढ़ाई। प्याज काट लेते हैं, प्याज को थोड़ा मोटा मोटा काटना है। प्याज को गर्म होने दीजिए, फिर हम लोग डालेंगे इसमें। सॉरी, तेल को गर्म होने दीजिए, फिर मैं क्या होगी। अभी इसमें भिंडी डालेंगे, काट लेते हैं। प्याज हमारा हो गया है लाल, स्टीम करके
भिंडी कटा है डाल दिए। थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी मिर्ची पाउडर आलू। जब तक हमारा भिंडी हो रहा है तब तक हम सोयाबीन के लिए मसाला रेडी कर। सुन नहीं है यार सब्जी कैसे बनाओ, देखो आप लोग देखोगे क्या मस्त दिख रहा है ना भिंडी भुजिया, एक नंबर। ऐसा भुजिया मुझे मिले और गरम गरम रोटी या पराठा, अरे चलो इस खुशी में गाना गाती हूँ। यशुदास का गाना है ये, ठीक है। मधुबन खुशबू देता है, सावन सागर देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। पता है मेरे को ना मन कर रहा है एकदम बड़ा सा बट्टी खाए का, चाहे वो मुल्तानी हो चाहे कुछ। आज तो मैं मुल्तानी का सोच रही हूँ, मेरे को नींद आने लग गया यार, मैं बंद करके जा रही हूँ सोने। मेरे को थकावट लग जा रही है, मेरे ये जो पैर में दर्द होता है ना, मतलब ये एरिया नीचे वाला, अगर मेरे यहाँ दर्द उठ गया तो कुछ भी नहीं करने का मन करता। अभी हम जा रहे सो जाते, एक काम करते फिर उठ के खाना बनाएंगे आराम से। ऐसे ही हो रहा है यार, क्या करे क्या करे, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई, कि एक तरफ उससे प्यार करे। देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें ना हल्दी, ताकि आलू और सोयाबीन निकल, पहले आलू को निकाल देंगे। नहीं मैं पहले सोयाबीन निकाल लेती हूँ। ये सोयाबीन अभी जब इसको भूंज कर आप लोग निकालोगे ना, तो इस पर क्या करना, ऐसी कटोरी में इस पर डालने के लिए इस पर क्या करना कि गर्म पानी डाल देना, ठीक है। अब ये क्या होगा, पूरा फूल जाएगा, फूलने से आराम से आप सब्जी में पहले इसको लाल करके अच्छे से भूज लेने का है, लाल करके अच्छे से भूज लेना है, ठीक है। हैंग हो रहा है वीडियो मेरा क्योंकि मेरा मोबाइल पूरा गर्म हो चुका है, ध्यान हैंग करना। भिंडी का भुजिया बन गया मेरा, चलिए इसको मैं बना लेती हूँ, इसको भूज लेती हूँ, पूरा दिखाती हूँ। अभी हम आलू भूजेंगे, इसमें भी हल्का हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये आलू इसी पे भूजना है, देसी स्टाइल का खाना, पूरा लाल करके इसको निकाल लेना है, ठीक है। बहुत हैंग कर रहा मोबाइल, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। देखिए ये आलू बॉइल्ड हो गया है, ये सोयाबीन में मैंने गरम पानी डाल दिया, फूलने दीजिए। अब हम लोग ये मसाला पीसेंगे, टमाटर बड़ा वाला, प्याज है इसमें, मिर्ची है, लहसुन डालूंगी और उसको पीस के
फिर हम लोग बनाएंगे सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, पूरा चिकन फिल, बहुत टेस्टी। इसमें थोड़ा खड़ा गरम मसाला भी दूंगी, दालचीनी, जावित्री, इलायची, साई जीरा और गोलकी लौंग इलायची, छोटी इलायची सब मिक्स करके, ठीक है। तो चलिए मैं मसाला पीस लेती हूँ फटाफट। ये देखिए सारा मसाला इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें एक ही बार हल्दी, तेरा शादी जल्दी, हल्दी दी नमक फॉर टेस्ट, यू नो व्हाट इज योर टेस्ट अकॉर्डिंग टू यू, ओके। नमक 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 डाल, इधर से हवा बहुत ज्यादा आ रहा है, ब्लू वाला हवा, लाल मिर्ची, आई जस्ट लव तीखा, एंड एक्टू एटा सॉल्ट चीनी एक्टू दाओ, ठीक है। एटा धनिया जीरा पाउडर, एटा चिकन एंड गरम मसाला मैगी मसाला पाउडर, ठीक है। बस एटा दाओ तुम्हारे मसाला रेडी, नाउ मिक्स इट, कंप्लीटली मिक्स इट। अब इसको करना क्या है, इसको स्टीम करके हल्का सा स्टीम, ढक्कन लगाना है और इसको अच्छे से पका देना है, ठीक है। जब ये पूरा मसाला अच्छे से पक जाएगा तब हम लोग ये सारा चीज इस पर डाल देंगे। देखिए देखिए सोयाबीन किस तरह से पूरा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, मसाला गलता है तब तक मैं चावल चढ़ा देती हूँ। देखिए फ्रेंड मेरा मसाला हो गया, इसमें मैं आलू सोयाबीन सब एक साथ है, ये इस पे यही सोयाबीन का पानी, ठीक है, मसाला पानी है ना, इसको ऐसे करके दे देना है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा इसको भूजना है अच्छे से सारा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ चिकन भूल जाएगा जिस तरीके से ये बना रही हूँ, खा के बना के आप लोग देखना, ठीक। क्योंकि सोयाबीन में मसाला की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, मसाला ज़्यादा पड़ना चाहिए तब वो खाने में यम्मी लगता है। अब इस पर क्या हम थोड़ा सा हल्का सा इसको भूजेंगे तेज आंच में, ताकि सोयाबीन के अंदर में पूरी जो मसाला है वो पूरा अच्छे से घुस जाए, आलू पे भी। फिर थोड़ा हल्का सा पानी देंगे, लिमिटेड ये जितना उतना ही, और ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा इसको भूज लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर करते हैं, ठीक है। हो गया मेरा सब्जी रेडी, लुकिंग लाइक अ वाओ एंड यम्मी, इसको खाया जाएगा हम अभी दिन में तो चावल के साथ रोटी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है, खाने से पता चलेगा, दिखने में तो कलर अच्छा है, ठीक है। तो ये आलू सोयाबीन की सब्जी मेरी रेडी, होप आप लोग को अच्छा लगे, तो प्लीज़ ट्राई जरूर करिएगा जिस स्टाइल पर मैं बनाई हूँ। वैसे आप लोग बहुत अच्छा बनाते होंगे, लेकिन फिर भी ये मेरा स्टाइल था। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके करना और बताना कैसी लगी। ये वाला वीडियो कौन से चैनल पर आएगा मुझे भी नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ चैनल्स के लेकर के, 10 चैनल खोलो तो यही हाल होता है। खैर पहले एक चैनल तो ढंग से चल जाए, ठीक है, कोई नहीं। चलिए अब हम लोग इसके बाद मैं खाने की वीडियो बनाऊँगी। तो ये आप लोगों ने देखी आज का, तो मेरा मेन्यू है आज का चावल, आलू सोयाबीन की सब्जी विथ भिंडी भुजिया एंड विथ ऑमलेट पॉच, सॉरी ऑमलेट नहीं, मुझे ऑमलेट नहीं पसंद, पॉच, एग पॉच, ओके। तो हाय फ्रेंड्स, आइए खाना खाइए, चावल, भिंडी का भुजिया, ऑमलेट पॉच, एग पॉच, और ये आलू सोयाबीन की सब्जी। ये मैं लॉन्ग खाने की वीडियो नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा बना रही हूँ, ठीक है। जी
सोयाबीन। यम्मी मस्त पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, देख लीजिए आप लोग। कहते हैं ये वाला एक दूसरा मंदिर है, ठीक है, यहाँ भी शिव जी की वो है। और तो मैं सोची मैं छोटा सा ब्लॉग बना दूँ, ये सैटरडे का वीडियो है। देखिए यहाँ पर शिव जी का पूरा मंदिर है और ये है शनि ग्रह, शनिदेव का, शनिदेव और नौ ग्रह का यहाँ पर भगवान है। तो शनिवार को मैं यहीं पर आती हूँ, शनिदेव है और नौ ग्रह देव का मूर्ति है जिसमें हम लोग पूजा करते हैं। हर सैटरडे को मैं आती हूँ यहाँ पर, जब से यहाँ आई हूँ तब से कर रही हूँ। वैसे अच्छा होता है ना शनिवार, और मैंने नॉनवेज पूरा छोड़ दिया प्रॉपर सैटरडे का भी। ये हो गया बजरंग बली का जगह, ये हो गया माता रानी का जगह, ये माता रानी है यहाँ पर। यहाँ पर अभी जोत जलेगा, जोत आना स्टार्ट हो गया है अभी, नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। ये संतोषी माता है, ये शीतला माता है। छोटा सा वीडियो मैंने बोला था रणवीर को ये वाली मंदिर का बनाना, मंदिर मतलब ऐसा है कि यहीं पर पंडित जी रहते भी हैं, उनका फैमिली भी है। बाहर का एरिया भी देख लीजिए ऐसा है। फिर हम लोग आ गए नाश्ता खाने के लिए, यहाँ पर 10 रुपये में ये 3 इडली वाला नाश्ता, स्टफ़ी है, स्पंजी है, अच्छा लगा था, लगता है मुझे, पिछले बार भी खाई थी तो बोली कि। और वैसे भी सैटरडे को मेरा बाहर का नाश्ता बनता है, तो इसीलिए मैं सैटरडे को बाहर से ही नाश्ता खा लेती हूँ। मोस्टली मैं इडली ही खाती हूँ, इडली या डोसा, बाकी तो ऑयली मेरे से होता नहीं है मॉर्निंग में। ये छोले भटूरे एंड पूड़ी सब्जी ये सब मेरे से नहीं होता। पराठा की बात अलग है, जैसे सत्तू पराठा क्या पेट को ठंडा रखता है उसी हिसाब से, क्योंकि ऑफिस में थी तो सब ज़्यादातर मैं यही खा लेती थी, बाय द वे कभी नाश्ता नहीं बनाया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करके बताना। ये जो छोटी मोटी ब्लॉग क्रंच के साथ है ये मेरी इस चैनल में आ जाएगी, ठीक है, सोनम ASMR क्रंच में। तो बाकी क्रंच की वीडियो सारी उसमें आएगी, और ये यहाँ छोटा सा क्रंच है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करके बताना। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स। घर आ गए हम लोग, बाहर में बहुत कड़ा धूप है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करूँ, और उसके बाद मैं फटाफट रोटी बना दूँ, थोड़ा सा कपड़ा धो देती हूँ, और मोबाइल अभी रख दूँगी चार्ज में, क्योंकि पता है आप लोगों को ना, अगर मोबाइल पकड़ के बैठ जाए ना तो घर का कोई काम नहीं होता, एकदम बदन सुस्त आ जाता है। इडली खा के आए हम, हफ्ता में एक दिन तो बनता है बाहर का कुछ खाने का। तो अभी जहाँ से इडली खाए आप लोग ब्लॉग देखे होंगे, वो 10 का 3 इडली और 20 का 1 डोसा है। और जो रणवीर लेकर के आता है वो वाला, वहाँ जहाँ से लाता है वहाँ 10 रुपये में डोसा और 10 रुपये का 4 की 5 इडली मिलता है आज के रेट में। ब्लैक का स्टॉक ख़त्म होने वाला है मेरा, कल समीना दी को ऑर्डर दे दूंगी। अब वो वहाँ से जब भी डिस्पैच करके, क्योंकि उनका ईद भी आ रहा है। ऐसा नहीं है मैं रेड का सेलो नहीं करती हूँ, करती हूँ, लेकिन जितना मुझे संतुष्टि ब्लैक खाने में मिलता है उतना रेड में नहीं मिलता, ये मैं बोलना चाहती हूँ। इस चैनल पे बहुत डिस्टर्बिंग जगह है, जो ये बहुत डिस्टर्बिंग जगह है, कुछ ना कुछ लगे रहता है यहाँ पर। आज तो मेरा सर दर्द दे देगा वो किचन में, मेरा दांत कसकस आता है वो आवाज पे।
मैं मन करता दो दो झापड़ मारूं जा करके। जब तक खाओ नहीं यार संतुष्टि नहीं मिलता है। इसमें मेरी ये ब्लॉक वाली वीडियो विद क्रंच के साथ आएगी और मोटिवेशनल वीडियो शॉर्ट्स में आ जाएगी, ठीक है। और मेरे जो मेन मेरा मेन चैनल है उस पर तो मेरी क्रंच की वीडियो आएगी ही, खाने की वीडियो बस। और जो मेरा डांसिंग वगैरह है सब मेरा सब शॉर्ट्स में आएगा। जिसको पसंद है वो देखे, जिसको ना पसंद कोई दिक्कत नहीं, न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ जाएंगे। जितने भी मेरे क्रंच के वीडियोस उसमें है सारे के सारे शॉर्ट्स हो लॉन्ग हो फायदा कुछ नहीं है, सब डिलीट कर रही हूँ। जिनको चाहिए वो अपना अपलोड ले ले, सेव कर ले और मैं उसको क्या बोलते हैं उसको प्राइवेट नहीं कर रही हूँ, सीधा डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। तो सारी न्यू वीडियो थी पता आप लोगों को, सारी वीडियो नहीं थी। और जो सबसे बड़ा चैनल सोनम की दुनिया उसमें मेरे क्रंच के कुछ वीडियोस बने हैं, बेशक उसमें येलो डॉलर आएंगे बट मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मेरे जितने भी इसमें शॉर्ट्स मैंने बना के रखा हुआ था लिपसिंग वाला, वो सोनम की दुनिया में एक दो दिन के लिए अपलोड हो जाएगा क्योंकि बना हुआ है, पहले ही अपलोड किया हुआ था। इसके बाद जो लिपसिंग का बनेगा वो मेरे दूसरे चैनल बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट रोटी वाटी बना लूँ, कपड़ा लगा देती हूँ क्योंकि मेरे को क्रंच की वीडियो भी बनानी है। तो चलिए करते, बहुत काम है यार, बहुत काम है पता है। ओके चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।